Hi everyone. In last lecture we have studied about acidity of water. इस तरीके से हमने acidity और alkalinity दोनों को पढ़ लिया था. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं water quality standard के बारे में. water quality standard क्या होता है, क्यों ज़रूरी है ये, और कुछ value दिया गया है कुछ agencies के द्वारा, government agencies के द्वारा, तो उसका value क्या है थोड़ा सा हम लोग rough idea ले लेंगे आज के lecture में. वैसे मैं बता दूँ lecture के description में already आपका लिंक एक प्रोवाइडेड है. अगर इस चैनल को आप सपोर्ट करना चाहें, पर्सनली कुछ बेनिफिट ले रहे हैं चैनल से, अगर पर्सनली कुछ हेल्प करना चाहें तो आप उस लिंक पर जाकर कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि चैनल की ग्रोथ में हेल्प होगा. और पीडीएफ फर्स्ट और सेकंड यूनिट का ऑलरेडी अपलोडेड है. आप फर्स्ट और सेकंड यूनिट का जब लेक्चर देखिएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा. जैसे ही थर्ड यूनिट कम्प्लीट होगा इसका भी आपको पीडीएफ साथ में अटैच कर दिया जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा. तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे हमने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा था कि कुछ भी एयर है अगर तो हमें इनहेल करना है या कुछ भी पर्पज़ के लिए हमें यूज़ करना है तो उसका एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होना चाहिए, ताकि हमें हमारे हेल्थ पर वो उसका इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ना हो. उसी तरह से वाटर का क्वालिटी का भी एक स्टैंडर्ड है कि ये क्वालिटी इसमें होना चाहिए. कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ है जो इसके क्वालिटी को फिक्स किया है कि इतना इतना मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट भी दिया है. तो हम लोग यहाँ पर एक कुछ लिमिट देख लेंगे यहाँ पर, और कौन कौन सी एजेंसीज़ है वो यहाँ पर देख लेंगे. तो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, वाटर का बहुत जगह यूज़ होता है. चाहे तो आपको ह्यूमन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि आपको पता होगा थर्मल पावर प्लांट है तो वहाँ पर वाटर से ही स्टीम कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस स्टीम का यूज़ किया जाता है टर्बाइन में एक्सपेंड करने के लिए, फिर वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. तो वाटर का तो बहुत जगह आपको यूज़ आपको देखने को मिलता होगा. तो अगर हम लोग वहाँ पर पॉल्यूटेड वाटर यूज़ करेंगे, कहीं पर भी अगर हम लोग पॉल्यूटेड वाटर यूज़ करेंगे, अगर वो ह्यूमन अगर गेन कर रहा हो, इनहेल ह्यूमन अगर टेक कर रहा हो, ले रहा हो, या फिर किसी इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए अगर पॉल्यूटेड वाटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो उसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है. हेल्थ पर तो इफेक्ट होता ही ह्यूमन के. इंडस्ट्री में भी अगर हम लोग पॉल्यूटेड वाटर यूज़ करेंगे तो जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी वहाँ पर है इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग स्टीम टर्बाइन में यूज़ कर लिए अगर वो, तो क्या होगा उसमें बहुत सारे पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूटेंट ऐड होंगे उसमें, तो क्या करेंगे वो बॉयलर को डैमेज कर सकते हैं. आगे जो उसमें टर्बाइन में जाता है वो स्टीम, तो वहाँ पर अगर पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, टर्बाइन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वहाँ पर इरोजन कर सकता है. तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ स्टैंडर्ड तो फिक्स करना ही होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं. तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है, यहाँ पर कुछ एजेंसीज़ है वो हम लोग वन बाई वन देख लेते हैं. शुरू करते हैं. द डेफिनेशन ऑफ वाटर क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंडेड यूज ऑफ वाटर विच मे बी कंजम्पशन एंड नॉन कंजम्पटिव और नॉन कंजम्पटिव. मतलब जो वाटर क्वालिटी का डिफिनेशन है वो डिपेंड करता है कि वाटर का मतलब यूज़ कहाँ किया जा रहा है, चाहे वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जा रहा हो या फिर आपको इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा हो, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, पावर जनरेशन में. क्योंकि अलग अलग जगह पर यूज़ हो रहा है तो उसका क्वालिटी तो अलग अलग होना चाहिए ना. मान लीजिए कि अगर हम लोग उसको ले रहे हैं, पी रहे हैं, वाटर को अगर टेक कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका क्वालिटी अलग होगा. वही अगर एग्रीकल्चर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका क्वालिटी थोड़ा अलग होगा. मतलब थोड़ा सा अगर उसमें कुछ पॉल्यूशन है भी, उसका TDS ज़्यादा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो उसका pH भी हम लोग को ध्यान में रखना है, उसका फिर TDS वैल्यू भी हमें ध्यान में रखना है, कोई स्मेल नहीं करे वो भी ध्यान में रखना है. तो अलग अलग उसका डिफिनेशन वही बोल रहा है कि वाटर क्वालिटी का जो डिफिनेशन होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, या तो कंजम्पटिव है मतलब ह्यूमन कंजम्पशन कर रहा है, या फिर नॉन कंजम्पटिव है मतलब उसको कंजम्पशन नहीं किया जा रहा है बट उसका यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, या पावर जनरेशन जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर जो हम लोग वाटर से स्टीम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें यूज़ किया जा रहा है, वो उसके हिसाब से उसका क्वालिटी हम लोग सेट करते हैं. आगे देख लेते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द प्रपोज्ड यूजेज ऑफ वाटर सर्टन क्वालिटी क्राइटेरिया आर एस्टेब्लिश्ड. मतलब जो वाटर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्रपोज्ड यूज है उसका, प्रपोज्ड किया गया है कि ये इसका यूज़ है ह्यूमन को अगर टेक करना है या फिर एग्रीकल्चर में ले जाना है, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, वाटर का सर्टन क्वालिटी क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किया गया. और इसके जो क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किया गया है उसके लिए एक आपको स्टैंडर्ड दे दिया गया. वही यहाँ पर बोल रहा है कि बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफाइड बाई हेल्थ एंड अदर रेगुलेटिंग एजेंसी टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर यूज़. मतलब जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड दिया गया उसका, वो स्पेसिफाइड किया गया या तो हेल्थ एजेंसी होगा या अदर रेगुलेटिंग एजेंसी होगा जो उसके क्वालिटी को, वाटर के क्वालिटी को
डिफाइन करेगा कि जो यूज़ करने वाले हैं उसके लिए वाटर का क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया वाटर जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसका कुछ प्रपोज्ड यूज़ बताया गया है कि वाटर है इस वाटर का हम लोगों को पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करना है, ह्यूमन के लिए यूज़ करना है। तो जो भी हेल्थ या अदर रेगुलेटरी एजेंसीज है, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज है, या WHO आप मान लो, इंडिया में भी कुछ एजेंसीज है, ISI करके एजेंसीज है, आगे हम लोग देखेंगे अभी, तो वो कुछ वाटर का यूज़ के अकॉर्डिंग उसका क्वालिटी को फिक्स कर दिया गया है कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को फिक्स कर दिया गया है। वही यहाँ पर बोल रहा है चाहे तो हेल्थ की एजेंसी होगी वो या फिर रेगुलेटरी एजेंसी होगी, तो उसको क्या कर रहा है वाटर का क्वालिटी को जो प्रपोज यूज़ है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया, उसको मतलब फिक्स कर दिया गया है कि ये मतलब मैक्सिमम लिमिट इतना इतना होना चाहिए, यहाँ तक अगर यूज़ यहाँ तक है तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर यूज़ रिक्वायर डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर प्योरिटी, ये भी आपको पता है। अगर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर ह्यूमन कंजम्पशन कर रहा है तो उसका वाटर का क्वालिटी अलग होना चाहिए, अगर इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं तो वाटर क्वालिटी अलग होगा, अगर एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं तो वाटर क्वालिटी अलग होगा, तो इस टाइप से चेंज होते रहता है। तो वही बोल रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर यूज़ रिक्वायर डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर प्योरिटी, उसका वाटर का प्योरिटी अलग अलग होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायर्स हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्योरिटी, मतलब अगर हम लोग उसको पीना है तो हम लोग वहाँ पर हर एक चीज़ को ध्यान में देखना होगा कि फिजिकल चेंजेस तो इसमें नहीं है, बायोलॉजिकल कुछ चेंजेस तो नहीं है, कुछ उसमें ऐड तो नहीं हो गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कुछ ऐड नहीं हो गए हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमें ध्यान में रखना होगा। इकोली उसका कितना है, उसमें बैक्टीरिया तो कोई ऐड नहीं हो गया, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो मतलब अगर ड्रिंकिंग वाटर है तो वहाँ पर खासकर हमें ध्यान देना पड़ता है। अब कुछ यहाँ पर एजेंसीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ एजेंसीज़ है जो वाटर के क्वालिटी को फिक्स करता है, वाटर के क्वालिटी को एक स्टैंडर्ड वैल्यू देता है। तो फर्स्ट है आपको इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, जिसको शॉर्ट में हम ISI बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन बोलते हैं शॉर्ट में ISI, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग WHO बोलते हैं, और थर्ड है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, जैसे आजकल ज़्यादा फेमस ICMR, कोरोना के केस में ज़्यादा फेमस ICMR स्टार्टिंग में किट निकाला था ये कोरोना टेस्ट के लिए, तो ICMR थोड़ा सा फेमस है। ये हेल्थ एजेंसीज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्थ एजेंसीज है, और इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स करता है। तो कुछ इसमें बाहर की, जैसे आपको WHO बाहर की कंपनी है, बाहर की एजेंसीज है, और फर्स्ट और थर्ड जो है वो इंडिया की कंपनी है, इंडिया की एजेंसीज है। तो ये क्या करता है वाटर के क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे देता है कि वाटर का क्वालिटी का ये स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो भी पर्पस होगा उसके हिसाब से अलग अलग सेट करता है। आप जब देखोगे नेट पर सर्च करोगे तो वहाँ पर डिफरेंट आपको PDF मिल जाएंगे जिसमें वाटर का अलग अलग यूज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कि किसका क्या वैल्यू होना चाहिए, कौन से कंस्टिट्यूंट्स जो है उसमें, जो सब्सटेंसेज है वो कितना उसमें अवेलेबल होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो हमने देखा अभी, उसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू दिया गया है ड्रिंकिंग वाटर का, वो वैल्यू कितना है वो देखते हैं अभी। कुछ वैल्यू हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यू इंक्लूड किए हैं हम लोग यहाँ पर कि क्या इसका वैल्यू होना चाहिए, अबाउट वो हम किए हैं कि इतना अगर है, ये मतलब मिनिमम लेवल है। अगर उसके बाद हम लोग परमिसेबल देखते हैं कि परमिसेबल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब कहाँ तक वो टॉलरेंस, एक बोला जाता है ना टॉलरेंस कि यहाँ तक भी होगा तो चल जाएगा, बट प्योर अगर है तो ऐसा ऐसा उसमें होना चाहिए, ये मतलब उसका है। तो देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। पहले हार्डनेस के पहले हम लोग टोटल सॉलिड के बारे में देख लें, तो टोटल सॉलिड जो है वो लेस देन 500 PPM होना चाहिए। टोटल सॉलिड होगा वो 500 PPM से कम होगा। वैसे भी आपको जब पढ़ा रहा था, TDS पढ़ा रहा था, वहाँ पर आपको बताया था कि TDS कितना होना चाहिए, 100 से बिलो नहीं होना चाहिए और 500 से अबव नहीं होना चाहिए। तो वही है टोटल सॉलिड के बारे में, लेस देन 500 PPM होना चाहिए। हार्डनेस जो होगा वो हार्डनेस कितना होना चाहिए, लेस देन 100 PPM। हार्डनेस किसकी वजह से होता है, कैल्शियम जो उसमें ऐड होता है उसके वजह से हार्डनेस होता है। तो हार्डनेस का जो उसमें कंटेंट होना चाहिए वो 100 PPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेस्ट कैसा होना चाहिए, तो नो ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट होना चाहिए, कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उसी तरह से स्मेल के बारे में बात किया जाता है, तो इसमें से उसमें भी वही सेम चीज़ लिखता है, नो ऑब्जेक्शनेबल लिखता है, ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट नहीं होना चाहिए उसका, और स्मेल भी नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर उसका कितना होना चाहिए, तो हाँ 10 to 15 degree के आसपास उसका टेम्परेचर होना चाहिए। pH वैल्यू जो होगा वो 6.5 to 8, जैसे हमने देखा था लेक्चर में 6.1 to 8.5 था वहाँ पर, तो ISI की तरफ से 6.5 to 8 बोला जा रहा है। डिजॉल्व ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन 5 to 6 parts per million होना चाहिए। क्लोराइड्स में आपको लेस देन 250 parts per million होना चाहिए, 250 parts per million से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा क्लोरीनेशन एक प्रोसेस है, क्लोरीनेशन करते हैं हम लोग, तो क्लोरीनेशन करने से क्लोरीन उसमें ऐड करते हैं, तो वो 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आयरन और मैंगनीज, बहुत जगह आप वाटर देखोगे जब
उसका लेवल, वाटर का लेवल अगर आप लो लेवल से नहीं निकालोगे, थोड़ा सा ऊपर से निकाल लोगे, तो क्या होता है वाटर में थोड़ा सा येलोइश टाइप का कलर दिखता है, जिससे कि आप जब उसको क्लॉथ को आप वॉश करते होगे तो थोड़ा येलो येलो कलर का आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें आयरन का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है, आयरन और कैल्शियम का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है, तो लेस देन आपको 0.3 पार्ट पर मिलियन बोल रहा है, 0.3 पार्ट पर मिलियन से कम होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है इकोली कितना होना चाहिए, इकोली आपको बताया था एक तरह का ये आपको नॉन पैथोजेन है, मतलब इससे कोई बीमारी नहीं होता है, बट अगर इकोली प्रेजेंट है तो बोला जाता है कि ये और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पैथोजेन है जिसकी वजह से बीमारी डिजीज़ हो सकता है वो वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो इकोली भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नो इकोली इन 100 ml वाटर, कोई भी इकोली 100 ml वाटर में नहीं होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर का दिया हुआ है कि अगर आप ड्रिंकिंग वाटर गेन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब वैल्यू वहाँ पर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मतलब फिक्स है, इतना होना चाहिए। इसका एक टॉलरेंस लेवल भी दिया जाता है कि टोटल सॉलिड 500 तो ठीक है मिनिमम वैल्यू है ही, बट अगर मैक्सिमम 1000 या 2000 भी रहेगा तो काम चल सकता है, उसका भी एक अलग चार्ट आपको दिया हुआ है, बट उतना यहाँ पर हमने नहीं देखना है बिकॉज उतना तो आप याद नहीं कर पाओगे, इसलिए हम लोग मेन चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि इतना इतना होना चाहिए, टेम्परेचर 10-15 डिग्री होना चाहिए, pH वैल्यू 6.5-8 होना चाहिए, डिसॉल्व ऑक्सीजन 5-6 होना चाहिए, मतलब मेन वैल्यू थोड़ा सा आप रफ आइडिया ले लीजिएगा, कुछ कुछ पॉइंट्स को आप एग्जाम में लिख लीजिएगा जिससे कि आपका काम हो जाएगा। तो हमने वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड देख लिया है आज, एक तरह का स्टैंडर्ड वैल्यू देता है ये, उसमें से कुछ एजेंसीज होती है जो यूज़ के अकॉर्डिंग कुछ क्वालिटी के वाटर के क्वालिटी के स्टैंडर्ड को फिक्स किया है। यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के तहत ये वैल्यू दिया गया था, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। तो इससे हमारा वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर ट्रीटमेंट देख लेंगे, वाटर ट्रीटमेंट में कुछ कुछ प्रोसेसेस हैं वो हम लोग वहाँ पर देख लेते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो से जो डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, वहाँ पर एक ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो, और फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे फेसबुक पेज पर चले जाएंगे, वहाँ पर भी मैसेज का ऑप्शन दिया हुआ है। और चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है pekun.in का, पर्सनली चैनल को सपोर्ट करना कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का भी लिंक अटैच हो जाएगा, थर्ड यूनिट का या फिर टोटल यूनिट का PDF अटैच हो जाएगा, चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को पढ़ने के लिए सॉफ्ट कॉपी। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।